नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा था नौवा अनमोल वाणी, इसका संत कबीर जी का जो कुछ भी दोहे थे इसमें हमने ये देखे थे। कबीर जी के दोहे यहाँ पर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। भक्त सूरदास का जो कुछ भी लेखन है वो बाकी है, आज हम वो देखेंगे। संत कबीर जी के बारे में हमने देखा था कि कैसे हमें खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा हमारा मन होना चाहिए, पानी कैसा रहता है, वाणी कैसे शुद्ध होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी देखी थी। आज देखेंगे भक्त सूरदास, जो कि कृष्ण भगवान और मैया यशोदा की ये बातचीत है। कृष्ण भगवान अपनी माता से कैसे बचपन में कैसे सवाल पूछते हैं, जैसे अभी छोटे बच्चे देखो, समझो बार 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 किसी एक चीज़ के ऊपर अगर उनको समझ में नहीं आती तो अपनी माँ से क्या करते हो, तंग करते हैं कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इनकी जिज्ञासा वृत्ति जो है वो बहुत बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान मैया से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी जो है, मेरी वेणी जो है वो कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है चोटी, मुझे कितनी बार आपने दूध पिलाया फिर भी ये क्या है, आज भी क्या है, अजू मीन्स आज भी ये कैसी है, छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, जैसे भैया बलराम इनकी जैसी है बड़ी, वैसी मेरी होगी, तो आज भी ये कैसी है, छोटी है, उनकी तो बहुत बड़ी मोटी है, वैसी भी मेरी ही होगी अगर मैंने दूध ज़्यादा पिया तो, मैं तो रोज़ दूध पीता हूँ फिर भी मेरी छोटी छोटी ही है, ऐसा क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कर रहे हैं और उनके जवाब देने की कोशिश मैया कर रही है, पर इनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आगे देखेंगे, काचो दूध पियावत पची पची देथन माखन रोटी, कितनी बार पची पची यानी बार बार मुझे दूध पिलाया, पियावत मीन्स पिलाया, कितनी बार तू भी मुझे दूध पिलाया और माखन रोटी तो दी ही नहीं, सिर्फ दूध पिलाकर ही मुझे बोला कि आपकी चोटी बढ़ेगी, फिर भी चोटी तो बड़ी ही नहीं है। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया हरी हलधर की जोटी, जो भक्त है श्री कृष्ण भगवान के, भक्त सूरदास, इनको यहाँ पर सूर श्याम कहा गया है, सूर श्याम ये क्या कहते हैं कि दोनों भी भाई चिरंजीव रहे, अमर रहे, हरी हलधर की जोटी, सारी कायनात सारी जो ये है वो आपको भर भर के क्या दे, खुशियाँ दे, आशीर्वाद दे, ऐसे यहाँ पर सूरश्याम इनके भक्त कह रहे हैं। देखो छोटे बच्चों का एक अलग ही रहता है, उनका मिजाज ही कुछ अलग रहता है, एक ही अगर चीज़ के पीछे पड़े तो वो बाद में उस चीज़ को बिना मांगे वो छोड़ते ही नहीं है। हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी पूरी क्या बोलेंगे स्फूर्ति के साथ, चाहे अपनी माता हो या फिर अपने पिता हो, तो उनके पीछे ही पड़ते और वो चीज़ को जब तक वो हासिल नहीं करते तब तक अपना पीछा ही नहीं छोड़ते। देखो यहाँ पर पहले पिक्चर में ये भक्त संत कबीर जी है, बहुत ही उनके प्रचलित विख्यात इनके दोहे हैं हमने देखे, और ये है भक्त सूरदास, शायद आपने देखा नहीं होगा, तो ये है भक्त सूरदास जो कि श्री कृष्ण भगवान की क्या करते थे, पूजा करते हैं, और इनकी बहुत सारे लेखन भी है, सुरसागर, सुरसारावली, ये सारे इनके साहित्य लहरी, नरदमयंती, ये सारे इनके क्या है, इनके कुछ लेखन है, समझ में आया। तो ये हमारे अनमोल वाणी संत कबीर और भक्त सूरदास, इन दोनों का जो कुछ भी स्वाध्याय है शब्दवाटिका के साथ वो सारा आपको आपके व्यवसाय माला में वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।